ये एटीएम खास है क्योंकि आप इससे पैसे नहीं गोल्ड निकाल सकते हैं। हैदराबाद में लगे इस एटीएम में डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगाइए और गोल्ड कॉइन्स निकालिए। एक तरफ सोने को लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, वहीं धरती पर सोना खत्म होने को है जिसकी खोज अब आसमान तक पहुंच गई है। जानना जरूरी है कि धरती पर कितना बचा है सोना और आने वाले समय में कहां से मिलेगा। सोने की खपत के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ बच्चे के जन्म से लेकर शादी, तोहफे से लेकर दान, अच्छा बुरा कुछ भी हो सोने के बिना नहीं होता। लेकिन दुनिया भर में अब ये सोना जल्द ही खत्म हो सकता है। वजह, बेतहाशा खनन। ज्यादातर खनन हुआ 1950 के बाद। एक तरफ खनन बढ़ा तो दूसरी तरफ खदानों से सोना खत्म होता गया। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अब तक धरती से लगभग 2,00,000 टन सोना निकाला जा चुका है और अब सिर्फ 50,000 टन ही बाकी है जो अगले 20 सालों में खत्म हो जाएगा। अगर सोना खत्म हो गया तो क्या होगा? इसका जवाब मिलता है अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर जेम्स रिकर्ड्स की किताब द न्यू केस फॉर गोल्ड में। उनके मुताबिक सोना खत्म होने की चाहे कितनी भी भविष्यवाणियां हो जाएं, खनन चलता रहेगा। इसके लिए नई नई तकनीक आएंगी। जिन जगहों पर कोई नहीं जाता वहां पर खनन होगा। हाँ, इससे ये हो सकता है कि छोटी खनन कंपनियों की जगह देशों में इक्का दुक्का बड़ी कंपनियां ही बचें। सोना मिलना जितना मुश्किल होगा उतनी ही कीमत बढ़ेगी और यह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसकी खोज इतनी आसानी से नहीं रुकेगी। धरती नहीं तो स्पेस में खोजा जाएगा। साइंटिस्ट ने ये खोज शुरू भी कर दी है। स्पेस में एक ऐसा एस्टेरॉयड मिला है जिसमें सोने का भंडार हो सकता है। धरती से 24 अरब मील दूर मौजूद इस एस्टेरॉयड का नाम है 16 साइकी। जुपिटर और मार्स के बीच मौजूद यह एस्टेरॉयड सोने, प्लेटिनम, निकल और आयरन से बना है। नासा के मुताबिक लगभग 225 किलोमीटर चौड़े इस एस्टेरॉयड में मौजूद धातुओं की कीमत करीब 8,000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। ये रकम इतनी बड़ी है कि अगर इसे दुनिया के लगभग 8 अरब लोगों के बीच बांटा जाए तो हर एक को 9,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मिलेंगे। ये इतना दूर है कि इस सोने के भंडार तक किसी स्पेसक्राफ्ट से पहुंचने में लगभग 4 साल लगेंगे और नासा इसके लिए एक मिशन शुरू करने की तैयारी में है। आज जानना जरूरी है। मैं इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही वीडियो के साथ। जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।